नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सक्लूसिव अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। मैं हूं सुमित डेरो, आप सभी का स्वागत है टेक एरा फॉर यू की हिंदी टेक न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसे दबाने के बाद हमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ पे जो पहली अमेजिंग जो खबर निकल के आ रही है, जो अपडेट आ रही है, वो है एक और नए स्मार्टफोन की। हो सकता है Xiaomi की तरफ से Xiaomi का Redmi Note 5 जल्दी हो जाए लॉन्च, और जिसमें आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 630 या फिर 660 का प्रोसेसर। और अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो ये भी हो सकता है तीन तरह के वेरिएंट्स में लॉन्च हो जाए, चाइना में और उसी के साथ इंडियन मार्केट में भी हो सकता है लॉन्च। ऐसे चाइना में लॉन्च होगा तो उसके बाद इंडिया में तो हो ही जाएगा Xiaomi का स्मार्टफोन लॉन्च। अगर हम इसके तीनों वेरिएंट की बात करें जो रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है Redmi Note 5 की, तो इसको देखने को मिल सकता है 3GB रैम वाला वेरिएंट जिसमें आपको 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। इसी के साथ हो सकता है आपको इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए एक और वेरिएंट जो कि हो सकता है 4GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें आपको देखने को मिल सकता है एक और वेरिएंट जो कि 4GB और 64GB के रैम स्टोरेज वाला वेरिएंट, यानी कि इसमें आपको रैम 2GB की तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, 3GB और 4GB का मॉडल ही इसमें हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, जिससे कि रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। ये भी काफी अच्छी बात है। और इसमें आपको हो सकता है कैमरा वही 13 MP और 5 MP वाला सेटअप आपको फ्रंट और रियर में देखने को मिल जाए, इससे कि कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स में निकल के आ रही है। और कुछ रूमर्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि लीक्स के मुताबिक Redmi Note 5 में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है और फ्रंट में आपको 13 MP का कैमरा भी हो सकता है देखने को मिल जाए, इस तक की कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स वगैरह निकल के आ रही है। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों वो है रिलायंस जियो से रिलेटेड। ये जियो की सर्विसेज के बारे में नहीं है, ये रिलायंस के जियो के एक और नए फीचर फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रिलायंस जियो के फीचर फोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि रिपोर्ट्स और लीक्स में निकल के आ रहा है ये फीचर फोन 4G VoLTE को सपोर्ट करने वाला है। और इससे पहले भी जो लीक्स निकल के आ रही है उसमें होता है कि इसमें वाईफाई फैसिलिटीज, यानी कि आप हॉटस्पॉट इस फीचर फोन से आसानी से बना सकते हैं, पर ये स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। ये फीचर फोन में आपको 4G का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ रिपोर्ट्स कुछ क्लेम कर रही है कि इसमें आपको ₹500 में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा रिलायंस जियो की तरफ से, और रिलायंस जियो का ये स्मार्टफोन इसी मंथ लॉन्च हो सकता है, इससे कि कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स निकल के आ रही है। अगली टेक न्यूज की अगर हम बात करें तो वह नोकिया से रिलेटेड। नोकिया और Xiaomi के बीच, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं नोकिया और MI के बीच कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, जिसमें इनके एग्रीमेंट में कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि इसमें IoT, AR, VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी अलग अलग तरह के इनके एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। तो फ्यूचर में हमें Xiaomi और नोकिया की कुछ पार्टनरशिप इनकी टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट्स में हमें देखने को मिल जाएगी, इससे की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। अगली जो टेक अपडेट है वो भी नोकिया से ही रिलेटेड है। तो ऑनलाइन स्पॉट किया गया नोकिया 6 का कॉपर कलर वेरियंट, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा 3GB और 32GB का स्टोरेज वेरियंट, इससे की कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि इसे ऑनलाइन देखा गया इस स्मार्टफोन को। खैर मुझे तो अभी इतना कुछ ज्यादा पता नहीं कि ये बिक भी रहा है कि नहीं, ये कॉपर कलर वाला नोकिया का 6 का वेरिएंट। और अगली अपडेट की बात करें तो वो भी दोस्तों नोकिया की है, जो कि एक लीक निकल के आ रही है। तो हो सकता है आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए नोकिया 8, जो कि हो सकता है एक बेजल लेस स्मार्टफोन, यानी कि आपको इसमें बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आपको इसमें आयरिस स्कैनर भी देखने को मिल सकता है, जिससे रूमर्स निकल के आ रही है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड। अगली अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है मोटरोला के एक नए स्मार्टफोन से रिलेटेड कह रही है, और इसका लॉन्च आपको जल्दी पता चल ही जाएगा 12 जुलाई 2017, यानी इसी महीने ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि 12 तारीख को मोटो E4 प्लस हो सकता है इंडिया में लॉन्च। अगर हम इसके टेक्निकल एक्सपेक्टेड टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, हो सकता है आपको इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाए 427 या फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर मिले, हो सकता है इसमें आपको 2GB और 16GB रैम वाला वेरियंट इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, या फिर 3GB या 32GB स्टोरेज वाला वेरियंट इंडिया में आपको इसे देखने को मिल सकता है। बैटरी भी शायद इसमें आपको 5000 या 4000 mAh के आसपास हो सकता है देखने को मिल जाए, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, मगर मोटो E4 प्लस इंडिया में लॉन्च होने वाला है 12 जुलाई को, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है।
और अगली अगर हम टेक न्यूज की बात करें तो नोकिया 6 और नोकिया 5 जो दोनों फोन के जो मॉडल है वो डिले कर दिए गए हैं लॉन्च, और या फिर आप कह सकते हैं उसकी सेलिंग वगैरह डिले हो गई है अगस्त तक। कहाँ पे? यूके में। या दोस्तों इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, मगर यूके में इसकी वो शिपिंग जो कुछ भी इनका मैटर है उसके कारण शायद से इनकी जो सेलिंग वगैरह थी या फिर लॉन्च वगैरह था उसे डिले कर दिया गया है यूके में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि ठीक इस तरीके का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूलिएगा। मैं उसमें दे रहा हूँ आपसे जल्दी मिलूंगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगले वीडियो में।